अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मैगज़ीन का एक फ्रंट पेज बनाएंगे। जैसे ये फ्रंट पेज एक बनाया हुआ मेरे पास पड़ा है, इसमें उर्दू को इसके साइड पे कैसे चलाते हैं ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक ट्रिक है इन पेज के लिए, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है, क्योंकि मैं अब इन पेज इस्तेमाल नहीं करता, तो दोबारा से उसको शुरू कर रहा हूँ मैं इन पेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई तहरीर लिख लें। मैं इतने बस छोटी सी नज़म पढ़ी है, मैं एक पेज यहाँ लेता हूँ। मैं इसका साइज 300x300 mm कर देता हूँ, ये इसका साइज़ है। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर इम्पोर्ट करूँगा ऐसे। आप यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी, जो आपको ज़रूरत हो, जो आपने यहाँ पे लगानी हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं उसको। मेरे पास तो शायद यही पड़ी है, मैंने अभी डाउनलोड की थी। इसी को ले लेते हैं दोबारा से, इसका साइज़ मुझे कम करना पड़ेगा। थोड़ा स्क्वायर में ले लेता हूँ, ये ऐसे। अब इसका साइज बड़ा कर सकते हैं आप, सॉरी उसका साइज बड़ा नहीं होगा, ऐसे ही रहने देता हूँ। जाता हूँ मैं। अब आपने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसमें नहीं लिखना, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसी को ही चलाना है आगे। मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, इसको मुझे तहरीर की सूरत में लाना पड़ेगा, ये ऐसे। जैसे टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसको सूरत में लेके आऊँगा। अभी इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई टेक्स्ट है नहीं, मैं इन पेज में काम करना छोड़ चुका हूँ। मैंने जो काम डायरेक्टली कोरलड्रा में लिख लेता हूँ, उसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस के अंदर पहले है वो। अगर आपको फिर समझना है तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट कोरलड्रा में उर्दू कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसको ना मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ एक कॉलम में, तो मैं यहाँ से 4, 3, 5 कर लेते हैं, 5 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बहुत है। ओके, बस सही है, ये मैं कॉलम बना लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ से ये आखिरी टूल खड़ा है, ये आप ले लें ऐसे, इसको इसके फेस के मुताबिक या जितनी आपकी सिलेक्शन है एरो लेना है, और यहाँ से आप क्लिक करें और ड्रैग करके इसके करीब लाते जाएं। ये देखिए, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ 1x1 पॉइंट, ये ऐसे। ऐसे आपने इसको ड्रैग करके ना अपने पूरे पॉइंट यहीं पे लगा देने हैं, ये ऐसे। ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ लेके आता हूँ, पॉइंट नीचे और बन रहे हैं इसलिए वो पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसको मिनिमम सिलेक्शन में लेके आना पड़ेगा, कम से कम जगह ले, ये ऐसे। आपने ये मैगजीन के ऊपर देखा होगा ऐसे बने हुए, मैगजीन के ऊपर ऐसे बना देते हैं हेडिंग्स, और इन कॉलम्स को ऐसे बना देते हैं। इसकी यही ट्रिक होती है, वो ऐसे ही बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ,
ज़्यादा करीब हो गया ना, ये ऐसे आउट हो जाए तो आप दोबारा उसको मूव कर सकते हैं ऐसे, ये ऐसे। इसको थोड़ा मैं ऐसे लेके आऊँगा कि ये सिलेक्शन ज़्यादा करीब ना रहे। सेम इसको भी नीचे लेके आता हूँ ताकि ये फासला नीचे छोड़ दे। बस हो गया। अब अपने एरो लेना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ से रन अराउंड और लॉक कर देना है और यहाँ से ओके। अब आपने इस पेज को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, और यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल एक्सपोर्ट ब्राउज, यहाँ से इसको करना है पोस्ट स्क्रिप्ट, बिटमैप नहीं करना। और इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं रख लेता हूँ T3 के नाम से। सेव किया एंड ओके कर दिया। चलें ये काम मुकम्मल हुआ। अब कोरोड्रा में चलते हैं। यहाँ पे भी आपने अपने मैगजीन का साइज़ कोई ले लेना है, मैं लेटर में रखता हूँ इसको। डबल क्लिक किया, इसको ऐसे रहने देता हूँ और उस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट मैं पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ ये वाली, और यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ मैं वो टेक्स्ट जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था A3 के नाम का। इसको ओपन कर लेते हैं, कर्व करके इंपोर्ट करना है। और ये देखें बिल्कुल सिलेक्शन वही सेंटर में रही, बाकी ये आ गया बेटा। अब आप इस पिक्चर को ऐसे ही लगा सकते हैं, ये देखें पूरी जगह वैसी की वैसी बनी हुई है। इसको मैं पी प्रेस करके सेंटर में लाता हूँ, इसको पी प्रेस करके सेंटर में लाते हैं, इसको कम करते हैं हेडिंग के मुताबिक। पिक्चर थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जगह हमने बनाई थी वैसे आनी चाहिए। ये देखें थोड़ी सिलेक्शन में और कमी रह गई थी, उसको पूरा कर लेते हैं। इसको करना पड़ेगा, मैं इसको लॉक हटा देता हूँ अभी। ज़्यादा वो अंदर स्ट्रेच हो रहा है, इसको स्ट्रेच नहीं करते। अच्छा आप F8 करके इसको क्रीप करके सिलेक्शन को मज़ीद मिनिमम जगह के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा करीब करने की, क्योंकि टेक्स्ट को भी देखना पड़ता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो उसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं। इसका पूरा तरीका यही है। F7 प्रेस करके मैं बैठ जाता हूँ, तो इसको भी ऐसे थोड़ा करीब कर लेता हूँ यहाँ, ताकि कोई और वर्ड भी आ सके। यस बस ये सारा डाटा यहाँ तक बन गया है। इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट को। मैं इसको 9 पे 10 पे करता हूँ, 9 बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसको 14 पे रखते हैं। कंट्रोल ए कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। 7 करता हूँ 6, ये जो खाली या एम्प्टी जगह है इनको करता हूँ अब
ये भी बहुत ज़्यादा है डाटा, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आप तो कॉलम के हिसाब से लिखेंगे ना अखबार की तैयारी के लिए, क्या कितना डाटा कहाँ आता है आप तो उसके मुताबिक करेंगे। मैंने तो वैसे बताने के लिए डाटा दिया हुआ, ये तो एक पोल्ट्री है, लेटिन पे ठीक रहेगा ये। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने सर्च कर लेना है, ये देखिए अब ये हर तरफ से फील आ रहा है। बस अब नेक्स्ट में ना हेडिंग के लिए एक दो पॉइंट दे देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे आप कुछ दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें आप ऐसे ही, सेम वही तरीका है, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाएं, इसको सेलेक्ट करके नीचे लाएं, और राउंड जैसे बनता है वैसे राउंड बनाना पड़ेगा ये। ऐसे राउंड करेंगे इसको, मुझे इसको ज़रा और क्लोज करना पड़ेगा, ये ठीक है वैसे। अच्छा इसको सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, रन अराउंड, लॉक और ओके, ये हो गया, इसने जगह छोड़ दी बाहर से। इसको भी सिर्फ डबल क्लिक करें, रन अराउंड और लॉक कर दें, ओके। अब इसको आप छेड़ नहीं सकते, अब ये लॉक हो गया, ये देखिए ये मूव नहीं कर रहा, लॉक कर दिया ना मैंने। अब लॉक हटा के अब इसको कम कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा और मैं राउंड करता हूँ एफ एट करके, यहाँ से ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये ऐसे। ये देखिए राउंड हो गया, वो इतनी ही जगह ये उसके बाहर ले रहे हैं। अब F7 कर देता हूँ वापस, F6। अब हेडिंग के लिए आप यहाँ पे हेडिंग दे दें, यहाँ कुछ और लिखना है तो यहाँ दे दें, ये ऐसे ये खुद बहुत जगह छोड़ देगा। डेटा कम कर लेते हैं ये डिलीट करके, ताकि ये नीचे जो रेड जगह बन रही है उसका मतलब ये है कि ये डेटा आगे भी जा रहा है, पूरा यहाँ नहीं आया हुआ। ये 18 है, मैं इसको 16 कर लेता हूँ, साइज कम कर देते हैं, 80 फिर भी ज़्यादा है, ज़्यादा अब कम हो गया है। यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, बस ये बहुत है। अब सेम वैसे इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, ये हेडिंग को यहाँ रखता हूँ मैं थोड़ी नीचे करके, ये अब आपने वैसे करना है, इसको डबल क्लिक करें, लॉक करें, अगर लॉक नहीं करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसने मर्ज हो जाना है, पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा, हमारा डाटा नहीं जाएगा। आपने यहाँ से अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इन चीज़ों को नहीं लेना, और फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट पेज करें, ब्राउज वही डेस्कटॉप A32 कर देता हूँ मैं, ओह सॉरी मैंने इसको यहाँ से पोस्टस्क्रिप्ट नहीं किया, A32 और ये सेव, ओके ये देखिए अब हो गया। अब मैं यहाँ से इस डाटा को हटा देता हूँ और वहाँ से उसको इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप A32 के नाम से सेव किया है, ये इंपोर्ट किया और ये हमारा डाटा आ गया। इसको मैं पेज से हटा के रखता हूँ, यहाँ पे लाते हैं, अब पिक्चर बड़ी करनी पड़ेगी, ये देखिए थोड़ी सी छोटी कर लें ताकि जो हमारी जगह है उसके हिसाब से ये फिट आ जाए। अब सही है,
ये ओवरलैप जो हो रहा है इसका मतलब है अभी कुछ कमी है, आप उसको सही कर लें। ओवरलैप नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमने जगह की सिलेक्शन की थी उसमें ओवरलैप नहीं था, लेकिन एक दो वर्ड हो जाते हैं तो आप उनको खुद से मैन्युअली सही कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके मुताबिक मैं इस पेज का ना साइज एडजस्ट करता हूँ क्योंकि हमने यहीं पे डाटा अपना दी एंड करना है। अभी ये जो बनाना था बना लिया। पावर क्लिप इंसाइड करें, आप इस टेक्स्ट को भी यहाँ से पावर क्लिप इंसाइड करें। अब यहाँ से मैं कलर लेता हूँ ड्रॉपर के थ्रू, मैंने ये कलर लिया और इसमें फिल कर दिया। अब यहाँ से दोबारा इंटरेक्टिव टूल लें, शेडो इसको सेलेक्ट करके ये देखें ऐसे, और ये सेंटर इसको थोड़ा कम कर लें ताकि कलर की मैचिंग हो जाए। बस अब क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करें, पिक्चर को नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट कर लें, पूरी मैचिंग तकरीबन हो गई, अभी भी रहती है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप करता हूँ और ओके कर देता हूँ। सेकंड ऐसे करता हूँ मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल, ये सेकंड वाला ऑप्शन, और ये सेंटर। यहाँ से आप सिर्फ इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, ऐसे दोबारा ड्रा कर लेता हूँ मैं, ये बाहर वाले एज ना आए उसके अंदर तो पिक्चर अच्छी आएगी। ये ऐसे नहीं, ऐसे सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको लीनियर पे ले आता हूँ और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट करके ऐसे ओके करता हूँ, और यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप ओके किया। यहाँ से फिर इस तरफ को मैं करता हूँ, ये बिट मैप जो ट्रांसपेरेंट हो गया, यहाँ से फिर से इसको कन्वर्ट टू बिट मैप किया, और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करता हूँ। अब इस सिलेक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये इधर लाता हूँ इसको। ये बन गया, अब क्लिक करके कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा एक बेहतरीन सा हिस्सा बन गया। यहाँ एक टाइटल दे दें, सर्कल लें, इस सर्कल को से यहाँ यहाँ पे दे सकते हैं, जितनी हमने जगह बनाई थी वैसे है। ये कलर फिल करें, कलर फिल करने के लिए आप इसी यहीं से कलर लेके फिल कर सकते हैं, ये ऐसे, और इसको ला के यहाँ पे एक और ये दे दिया। ये ऐसा राउंड, ज़्यादा राउंड नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा ये। अब आपने जो टाइटल देने होंगे वो टाइटल में दे सकते। ये था ये तरीका एक इश्तिहार के ऊपर पिक्चर को राउंड में कैसे टेक्स्ट देना होता है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी समझ ना आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।